हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? और तैयारी कैसे चल रही है बच्चों? तैयारी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। और आप तो बिल्कुल अपने अपने घरों पे बैठे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, घरों से बाहर मत निकलिए बच्चों। और हम लोग यहाँ एक बेहतर तैयारी के लिए उपस्थित हैं। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे स्पेशल, कल जैसा कि हमने आपको अयस्कों के बारे में पढ़ाया था, अयस्कों के प्रकार के बारे में पढ़ाया था, आज हमारा फोकस होगा बच्चों धातु कर्म और इसमें कुछ जो प्रयुक्त तथ्य आएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सब लोग बिल्कुल हो जाइए तैयार। और मैं हूँ आपका प्यारा सा टीचर ए के रंजन और आप देख रहे हैं अपना लवली चैनल टर्निंग पॉइंट ऑफिशियल सब्जेक्ट साइंस। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन बच्चों को मेंस लाइव क्लास बहुत अच्छा लगता है या जो बच्चे मेरा ऑफलाइन वीडियो देखते हैं, आपको यह ऑफलाइन वीडियो ही मिल पाएगा। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऑनलाइन आते हैं तो मैं कल से ऑनलाइन क्लास चालू करूँगा। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऑफलाइन ही रहते हैं तो ऑफलाइन ही वीडियो अपलोड होगा। तो मुझे कल एक बार पुनः 8:30 से ऑनलाइन क्लास चालू करना है और मुझे यह देखना है कि मोर देन 50, यदि 50 से अधिक विद्यार्थी मीन्स उसमें ऑनलाइन आ पाते हैं तो वीडियो निश्चित रूप से ऑनलाइन का चल पाएगा। तो मैं हूं बच्चों आपका प्यारा सा टीचर ए के रंजन और आप देख रहे हैं अपना लवली चैनल टर्निंग पॉइंट ऑफिशियल सब्जेक्ट साइंस। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार। आइए बच्चों चलते हैं धातु कर्म में। सही है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना है। हमें एक चम्मच चाहिए लोहे का। सही है, तो यूं ही नहीं प्राप्त होगा बच्चों, सबसे पहले तो हमें जाना होगा जमीन के अंदर, खनन करना पड़ेगा यानी खुदाई करना पड़ेगा। और जब जमीन से हम बच्चों खनन करेंगे, खुदाई करेंगे, तो हमें अयस्क मिलेगा, कोई ना कोई अयस्क मिलेगा, जैसे कि मिल गया हेमाटाइट। सही है, अब बच्चों इस अयस्क को क्या करेंगे, हम साफ करेंगे यानी इसका सांद्रण करेंगे। सही है, अब इस सांद्रित किए हुए अयस्क को हम ऑक्सीकृत करेंगे, ऑक्सीकृत करेंगे। सही है, ऑक्सीकृत करना पड़ेगा। अब इस ऑक्सीकृत अयस्क को हमको बच्चों अवकृत करना पड़ेगा। सही है, अब इस अवकृत अयस्क को ऑक्सीकृत अयस्क करना पड़ेगा, उसको ऑक्सीकृत अयस्क के रूप में बदलना पड़ेगा, ऑक्सीकृत अयस्क को अवकृत अयस्क के रूप में बदलना पड़ेगा। अवकृत अयस्क को बच्चों हमें शुद्धिकरण करना पड़ेगा और शुद्धिकरण के बाद इसे हमें बच्चों किसी न किसी मीन्स कारखाने में भेजना पड़ेगा, कल कारखाने में, और वहाँ से बन के बच्चों आएगा चम्मच और तब हम इसका उपयोग कर पाएंगे। सही है, और यह संपूर्ण प्रक्रिया कहलाएगी बच्चों धातु कर्म। हमें एक लोहे का चम्मच चाहिए तो इसके लिए यूं ही नहीं मिल जाएगा, हमें जमीन के अंदर खनन करना पड़ेगा, खुदाई करना पड़ेगा, वहाँ से हम कोई अयस्क निकालेंगे हेमाटाइट, उसको साफ करना पड़ेगा यानी सांद्रित करना पड़ेगा, उस सांद्रित अयस्क को ऑक्सीकृत करना पड़ेगा, उस ऑक्सीकृत अयस्क को अवकृत करना पड़ेगा, उसके बाद उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा, शुद्धिकरण के बाद उसे किसी कल कारखाने में भेजेंगे जहाँ मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में भेजेंगे जहाँ उसका मैन्युफैक्चर हो सके, उत्पादन हो सके, उसको बनाया जा सके, उसके बाद वह चम्मच उपयोग में आएगा। तो संपूर्ण प्रक्रिया का नाम है बच्चों, इसका नाम है, इस संपूर्ण प्रक्रिया का नाम है धातु कर्म। सही है, यानी किसी भी धातु को जमीन से निकालकर उपयोग में लाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया।
किसी भी अयस्क को जमीन से निकाल कर उपयोग में लाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। सही है। चलिए, सबके मन में यह बात आ रहा है, जब भी हम किसी अयस्क को निकालते हैं तो बच्चों जमीन के अंदर से निकालते हैं, जमीन के अंदर से हमें अयस्क मिलेगा, उस अयस्क को सबसे पहले साफ किया जाता है, साफ करने के बाद उसको ऑक्सीकृत किया जाता है, ऑक्साइड में बदला जाता है, उसके बाद उससे ऑक्साइड बाहर किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है, जब वो शुद्ध हो जाता है बच्चों तब उसको लाया जाता है जहाँ बनाई जाती हैं वस्तुएं मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के पास, और वहाँ से बन के आता है तब हम उसका उपयोग करते हैं। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया का नाम है बच्चों धातु कर्म, यानी किसी भी अयस्क को जमीन से निकाल कर उपयोग में लाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया का नाम क्या है? धातु कर्म। तो मेरे ख्याल से सब लोग धातु कर्म समझ गए होंगे। अब आइए बच्चों, अब हम लोग इसमें कुछ टर्म समझेंगे जिसको जानने की बहुत ज़रूरत है, इतना तो सब लोग के मन में आ गया है। चलिए थोड़ा सा हम मिटा दें। चलिए बहुत अच्छा, आइए उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, खूब दिमाग में लाना है, उसके बाद हमको करना क्या है? बारिश का मौसम है, देखे चिपक गए। सही है बच्चों। चलिए आइए, उसके बाद हमको करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग में लाना है। चलिए, हमने किसी अयस्क को बच्चों जमीन से निकाल दिया है, चलिए एक अयस्क को हमने यहाँ जमीन से निकाला, अयस्क है बच्चों। पानी की मात्रा हो गई, चलिए आइए सब लोग ध्यान देंगे बच्चों। एक अयस्क को जमीन से निकाला, यह एक अयस्क है, अयस्क का टुकड़ा है बच्चों, सही है, अयस्क है, और इसको हमने जमीन से निकाला। तो इसमें बच्चों बड़ी बड़ी अशुद्धियां हैं, ऐसे कहीं कहीं इसमें अशुद्धियां चिपकी हुई हैं, अशुद्धियां, सही है, यह है कोई अयस्क का टुकड़ा, ऐसे अयस्क है यह, जमीन के अंदर से निकाला तो इसके ऊपर बच्चों बहुत सारी अशुद्धियां हैं, तो इन अशुद्धियों के लिए स्पेशल नाम आता है बच्चों अधात्री।
एआईसी का नाम है गैंग, एआईसी का नाम है मैट्रिक्स। सही है, आधात्री गैंग या मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जान लें आधात्री क्या है। जब किसी अयस्क को जमीन से निकालते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं। उसमें उपस्थित जो भी अशुद्धियां होती हैं, वो चाहे चिपचिपी अशुद्धियां हो या कंकड़ पत्थर हो या कोई द्रवित अशुद्धि हो, कोई उसमें समझिए कि स्पर्श करने वाला अशुद्धि हो, कोई भारी अशुद्धि हो, हल्का अशुद्धि हो, उन अशुद्धियों का नाम है बच्चों आधात्री या मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आधात्री गैंग या मैट्रिक्स। अयस्कों में उपस्थित किसी भी प्रकार की अशुद्धियों को आधात्री कहते हैं। सही है, इसमें कोई भी अगर अशुद्धि हो तो उस अशुद्धि का नाम है बच्चों क्या, आधात्री। चलिए आ जाते हैं। अब बच्चों इसमें कोई अशुद्धि है इस अयस्क में, उसका नाम हो गया आधात्री। यह हट नहीं रही है बच्चों, यह अशुद्धि इससे अलग नहीं हो रही है। अयस्क से किसी भी विधि द्वारा यह अशुद्धि अलग नहीं हो रही है। तो इसको अलग करने के लिए बच्चों अलग से हम एक इसमें पदार्थ मिलाएंगे, अलग से क्या करेंगे इसमें बच्चे, एक पदार्थ डाल देंगे। किसको हटाने के लिए, अयस्क से अशुद्धि निकालने के लिए अलग से एक पदार्थ डालेंगे। उसका नाम है बच्चों द्रावक, फ्लक्स। ये है आधात्री गैंग मैट्रिक्स, आधात्री गैंग, गैंग और मैट्रिक्स। सही है, द्रावक क्या है, तो इसमें कोई अशुद्धि है आपके हाथ से अलग नहीं हो रहा है, किसी विधि द्वारा अलग नहीं हो रहा है। तो उसको अलग करने के लिए बच्चों हम अलग से कोई पदार्थ उसमें मिला देते हैं, जिसको कहते हैं द्रावक। अयस्कों से अशुद्धियों को अलग करने के लिए उसमें मिलाए गए रासायनिक पदार्थ को द्रावक कहते हैं। सही है, थोड़ा सा ध्यान देना है। हमने बच्चों अयस्कों से अशुद्धि को अलग करने के लिए उसमें कुछ पदार्थ मिला दिया, उस रासायनिक पदार्थ का नाम हो गया द्रावक। अब एक और परिभाषा आता है बच्चों, धातुमल, स्लैग। अब जरा सोचिए बच्चों, यह है अयस्क, यह है अशुद्धि, और इधर से हमने एक पदार्थ इसमें डाल दिया द्रावक। तो द्रावक इस अशुद्धि से अभिक्रिया करके एक पदार्थ बना लेता है और अयस्क से अलग हो जाता है, जिसको कहते हैं धातुमल। द्रावक मैट्रिक्स से अभिक्रिया करके एक पदार्थ बना लेता है, एक अवांछनीय पदार्थ बना लेता है।
जिसे धातुमल कहते हैं। सही है, धातुमल कोई पूछे कि क्या है, सबसे पहले तो एक बार पुनः वापस आ जाते हैं बच्चों गैंग, और यहाँ हम एक अच्छा सा उदाहरण देने वाले हैं आपको, कुछ देर के बाद एक उदाहरण भी देंगे। यह बच्चों एक अयस्क है, सही है, और इस अयस्क में कुछ अशुद्धियाँ हैं, तो इन अशुद्धियों को हम कहते हैं अधात्री या गैंग या मैट्रिक्स। सही है, गैंग का ही या मैट्रिक्स का ही अधात्री का ही अयस्कों में उपस्थित किसी भी प्रकार की अशुद्धि को अधात्री कहते हैं। सही है, अब आइए अब इसको हमको अलग करना है बच्चों, इस अशुद्धि को अलग करना है तो इसमें अलग से कोई पदार्थ मिला देंगे, उसका नाम है द्रावक। अयस्कों से अशुद्धि को अलग करने के लिए उसमें मिलाया गया रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं, द्रावक। अब बच्चों चलिए, अब इसमें हमने द्रावक मिला दिया तो अशुद्धि और द्रावक दोनों अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनाएगा, यानी द्रावक मैट्रिक्स अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ बना लेता है जिसे धातुमल कहते हैं। सही है, मन में आ गया है। अब आइए थोड़ा सा इसको बच्चों हम लोग बेहतर जानने का प्रयास करें। तीन चीज हो गया, गैंग, फ्लक्स, स्लैग। आइए सब लोग दिमाग लगाए, चलो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, हमने क्या किया है जो अशुद्धि है, इस अशुद्धि का नाम क्या है, तो अशुद्धि का नाम है बच्चों गैंग। गैंग में हमने क्या डाल दिया इसको अलग करने के लिए, तो बच्चों फ्लक्स। तो क्या बन गया बच्चों, तो स्लैग। तो एक सूत्र होता है बच्चों, इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा हुआ सूत्र है कि गैंग प्लस फ्लक्स बराबर वाट, तो गैंग और फ्लक्स जब मिलते हैं बच्चों तो बनता है एस्लैग। क्या बनता है, एस्लैग, यानी ये हो गया शुद्धि, ये हो गया द्रावक, और ये हो गया धातुमल, ये हो गया अधात्री, ये हो गया द्रावक, और यह है बच्चों धातु मल। जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं बच्चों, सही है, अयस्क हेमाटाइट में बालू पत्थर होता है, अगर इसको हम थोड़ा देर के लिए अयस्क मान लें, अयस्क तो है ही, इस अयस्क को हम हेमाटाइट मान लें, हेमाटाइट Fe2O3 मान लें, तो इसमें अशुद्धियाँ होती हैं, और वह अशुद्धि क्या होती है, तो बालू होता है, बालू पत्थर। अब बच्चों इस बालू को इससे अलग करना है तो इसमें डाला जाता है चूना पत्थर। सही है, तो आइए जरा देख लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें अधात्री क्या है बच्चों, बालू पत्थर, और इसमें द्रावक के रूप में क्या डाल दिया, चूना पत्थर, तो बन जाता है बच्चों कैल्शियम सिलिकेट, बालू पत्थर SiO2, चूना पत्थर CaO और CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। तो यह है बच्चों गैंग, यह है फ्लक्स, और यह है एस्लैग। सबके मन में आ रहा है हमारी बात, तो निश्चित रूप से आपने पढ़ लिया गैंग क्या है, फ्लक्स क्या है, स्लैग क्या है। सही है, तो अभी हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे इस अशुद्धि को अलग करना, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक प्यारा सा टॉपिक ले लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको जानने की सबको ज़रूरत है, तो आइए हम लोग शुरू करें। चलिए इतना तो सब लोग समझ गए हैं, आप सब लोग समझदार विद्यार्थी हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं।
और बोर्ड हो गया मेरा गंदा।